हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है सॉल्व कर चुके हैं, तो आज 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखे। प्रथम पद लिखना है, यानी हम लोग प्रथम पद को किसे डिनोट करते थे, ए से, और सार्व अंतर को किसे डिनोट करते थे, तो डी से करते थे, यानी होता है इसका कॉमन डिफरेंस होता है, डी से सूचित करते हैं। तो आइए देखते हैं, एपी का किसी भी पद को जो है उठा लेते हैं और उसके पहले वाले पद को घटा लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, तो इसका पहला पद देखिए क्या हो रहा है, पहला पद यहाँ पे दे दिया होगा, प्रथम पद निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद हम ए मान लेते हैं, तो प्रथम पद कितना है, 3 है, तो प्रथम पद 3 हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि सार्व अंतर निकाल लीजिए, तो सार्व अंतर निकालना है, कोई टर्म इसमें हम उठा लेंगे पहले टर्म को छोड़ करके। ठीक है, तो पहला टर्म हम छोड़ देते हैं, a2 - a1 कर लेते हैं, तो a2 आपका कितना है, 1 है, माइनस a1 कितना, 3। ठीक है, तो 1 से 3 घटाएंगे तो -2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, इतना आसान है कि किसी बच्चे को भी समझा दिया जाए तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे कितना हो जाएगा पहला पद, तो -5 हो जाएगा, प्रथम पद बराबर -5 आंसर हो जाएगा। सार्व अंतर की अगर हम बात करें तो इसमें से किसी भी टर्म को उठा लीजिए, क्योंकि एपी दिया हुआ है, तो -1 और माइनस फिर कितना दिया है, -5 है, इसीलिए इसको कोष्टक में घेर लेंगे। देखिए -1 और ये -, गुना होगा इधर से, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, तो 5 से 1 घटा तो कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से तीसरा प्रश्न अब देखेंगे। यहाँ से प्रथम पद बराबर a, यानी 1/3 हो जाएगा, आंसर हो गया। सार्व अंतर निकाल लीजिए, तो सार्व अंतर बराबर दूसरा पद हम ले लेते हैं, 5/3, इसके पहले वाला घटा लेंगे 1/3, तो चलिए एलसीएम 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये जो है ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो गया, 5 से 1 घटा तो 4 और 3 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए यानी 0.6 आंसर हो गया। सार्व अंतर की अगर बात करें हम, तो सार्व अंतर 1.7 -0.6, ठीक है, तो घटा लीजिए, 7 से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0.1 से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, यानी 1.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। पहले जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, फिर उसके बाद यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनके 3 और पद लिखिए, अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर उसका जो है अगला 3 पद लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिए, पहले a1 a2 a3 a4 लिख लेंगे। ठीक है, इससे जो है जाँच करना आसान हो जाएगा। तो a1 = 2 हो जाएगा, a2 = 4, a3 = 8 और a4 = 16 हो जाएगा। तो चलिए अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या होगा, a2 - a1, यानी a2 4 है, a1 कितना है, 2, तो 4 से 2 गया 2। फिर जो है अगला डिफरेंस निकालेंगे दो टर्म के बीच, तो a3 - a2 करेंगे, तो a3 8 है और जो है a2 कितना है, 4 है,
तो 8 से 4 गया 4। देख लीजिए आगे हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही टर्म में आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए क्या है कि ए सूची एपी में नहीं है। अर्थात यह लिखेंगे अतः ए सूची एपी में नहीं है, ए सूची एपी में नहीं है। ठीक है, जब भाई एपी में है ही नहीं तो इसका ना सार्वांतर लिखना है और ना ही आपको जो है अगला 3 टर्म निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a1 = 2 हो गया a2 = 5/2 a3 = 3 और a4 = 7/2 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो a2 - a1, तो a2 कितना है 5/2 और -a1 तो 2 है, एलसीएम 2 होगा, इधर बटा में 1 कर सकते हैं तो 2 1 का एलसीएम 2 होगा, इधर जो है एक मर्तबे भाग लगेगा 5 से, गुना होगा 5 होगा, 1 × 2 और 2 × 2 = 4, 5 से 4 गया तो 1/2 आ गया। फिर चलिए अब निकाल लेते हैं फिर से, तो a3 - a2 तो कितना हो जाएगा, a3 का मान कितना है तो 3 है, ठीक है 3 है, और -a2 तो a2 का मान कितना 5/2, 3 × 2 = 6 हो गया, -5/2, 6 से 5 गया 1/2। फिर से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a4 - a3, तो a4 का मान कितना 7/2 -a3, तो a3 का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 - 2 = 6 और 2/2, 7 से 6 गया तो 1/2। आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 = 1/2 आ रहा है। मतलब इन दोनों पद के बीच जो अंतर हमने निकाला सभी क्या आ रहा है 1/2 है, यानी बराबर है। तो इस सूची को हम लोग क्या कहेंगे कि ए सूची एपी में है, तो लिखेंगे ए सूची एपी में है। ठीक है, अतः ए सूची एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो अब आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कितना आ गया 2 हो गया। फिर इसका अगला 3 टर्म निकालना है, तो आइए देखते हैं। चलिए अब लिखेंगे यहां से, अब सार्वांतर इसका क्या हो जाएगा, सार्वांतर कितना आया तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म अगला निकालना है, तो 5वां 6ठा और 7वां टर्म निकाल लेते हैं। तो आइए 5वां टर्म यानी a5 लिख लेते हैं। तो a5 बराबर क्या लिखते हैं पता होगा आपको, इसके पहले पढ़ा चुके हैं, a जोड़ना है, इससे 1 कम करके 4 हो जाएगा, तो 4 और d से गुना कर देना है, 4d हो जाएगा, यानी a का मान कितना है इसमें, तो a का मान 2 है। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना है 2 है, और 4 × d का मान, ठीक है 1/2, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 + 2 = 2 कितना हो गया 4 आंसर हो गया। चलिए a6 निकालते हैं, तो a6 निकालिएगा तो a + 5d हो गया, तो a का मान कितना, a का मान 2 + 5 × d का मान 1/2। चलिए ये हो गया आपका 2 + 5/2, 2 × 2 = 4 और +5/2 यानी 9/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको 3 टर्म निकालना है, तो a7 यानी a + 6d हो जाएगा, तो a का मान 2 + 6 × d का मान कितना है, तो 1/2 है। देखिए 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 3 + 3 हो गया यहाँ से, तो 2 + 3 यानी 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसके बाद वाले जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका जो है अगला 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। a1 = -1.2, a2 - -3.2, a3 - -5.2, a4 - -7.2। चलिए अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस a2 - a1 निकालेंगे पहले, तो a2 का मान -3.2
माइनस ए वन का मान कितना है, माइनस 1.2, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस 3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.2 हो गया, ठीक है। तो 1.2 से घटा लीजिए माइनस 3.2, तो 2 से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस साइन आएगा यहाँ से, ठीक है। तो 2 से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 से 1 गया तो 2 हो गया, मतलब 2.0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे माइनस 2.0 यानी कितना आया, 2 आया। चलिए अगला देखते हैं, A3 - A2। तो A3 का मान कितना, -5.2, माइनस 2 का मान, A2 का मान -3.2, ठीक है। तो हो गया आपका ये कितना, -5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.2, ठीक है। फिर कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस, और 2 से 2 घटा 0, और 5 से 3 गया 2.0, ठीक है। आ जाइए अब अगला देखते हैं, A4 - A3। तो A4 कितना है, -7.2 है, माइनस A3 का मान कितना है, तो -5.2 है, ठीक है। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, 5.2 से माइनस 7.2 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और जो है 2 से 2 घटा 0, और 7 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2.0। आप देख सकते हैं यहाँ से 2.0 2.0, यानी कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 2.0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सूची क्या है, AP में है, ठीक है। तो ये सूची AP में है, तब इसका हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं, लिख देंगे, और उसका अगला 3 टर्म निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अब लिखेंगे सारबंतर डी मानते हैं, तो क्या आ गया है, -2.0 या 2, ठीक है। चलिए अब इसका जो है हम अगला 3 टर्म निकाल लेते हैं। तो 4 टर्म दिया हुआ है, 5वां टर्म निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है, A+4D या A1+4D, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है, -1.2 है, +4D, तो 4 × D का मान कितना, -2। चलिए तो हो गया आपका -1.2, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस, और माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8, जोड़ लीजिए -9.2 आ जाएगा, ठीक है। छठा टर्म निकालिएगा तो A+5D कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका -1.2, और प्लस 5 × D का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 10 और 1 = 11 हो गया, -11.2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं 7वां टर्म, तो A7 = A+6D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान जो है कितना हो गया, -1.2 + 6 × D का मान -2, यानी हो गया -1.2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ करके कितना हो गया, तो -13.2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। फिर आगे देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और है जो हम करा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूट वाला देखते क्वेश्चन आप लोग जो है रुक जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं, आइए देखते हैं। 5 नंबर बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से A1 A2 लिखते चलिए, A1 बराबर कितना हो गया 3, A2 बराबर क्या हो गया 3 + √2, A3 बराबर क्या हो गया तो 3 + √2, और A4 क्या हो गया 3 + √2। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, तो A2 - A1, तो 3 + √2 माइनस कर देंगे A1, तो A1 का मान कितना है 3 है। ध्यान दीजिए कि +3 और -3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √2,
फिर से अब निकालेंगे तो ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री का मान कितना है तो 3 + √2, माइनस कर देंगे ए टू, तो ए टू का मान कितना है 3 + √2, दो है तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस है तो कोष्टक में घेर देंगे। तो ये हो गया आपका, यहाँ से देखेंगे 3 + √2 और ये माइनस से गुना होगा, -3 और -√2 हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस जो है 3 खत्म हो जाएगा, 2√2 से 1√2 घटा दीजिए तो √2 हो जाएगा। आइए फिर जो है आगे हम बात करते हैं a4 - a3 की, तो a4 कितना है 3 + √3 है, माइनस कितना करना है तो a3, तो 3 + √2, तो यहाँ से अब कर लेंगे 3 + √3 और माइनस से गुना हो जाएगा -3 और -2√2, यहाँ से देखिए -3 + 3 खत्म हो जाएगा, 3√3 से 2√2 घटा दीजिए तो 3 से 2√ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1√2 बचा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे √2 √2 √2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, सेम है तो ये सूची क्या है एपी में है, अतः लिखेंगे अतः ये सूची एपी में है, अतः ये सूची एपी में है। जब एपी में है तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए पहले, तो अब सार्व अंतर बताइए सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर लिख लेते हैं, तो सार्व अंतर कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, अब इसका जो अगला तीन टर्म लिख लेते हैं, तीन टर्म क्या हो जाएगा a5, तो a5 बराबर a + 4d, तो a का मान कितना है 3 है +4 × d, तो 4 × √2, तो कितना हो गया 3 + √2 आंसर हो गया। a6 निकाल लेते हैं तो a + 5d, ठीक है, तो 3 + यहां से 5√2 आंसर हो जाएगा। a7 यानी सातवां टर्म, तो a + 6d, ये हो गया आपका 3 + 6√2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हो।